नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं Realme 8 Pro के कैमरास को Realme 8s 5G के साथ। अब यहां पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने का सिंपल सा रीजन यह है कि जो दोनों ही फोन है आपको सेम प्राइस कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं, तो 18,000 में आपको दोनों ही फोन देखने को मिलते हैं। एंड अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो Realme 8 Pro में आपको दिया गया क्वाड रियर कैमरा का सेटअप, जो प्राइमरी है वो 108 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर, एंड फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए Realme 8s के बारे में तो वहां पे आपको कहने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, बट जो प्राइमरी है वही सब कुछ है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर, एंड फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहां पे अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो Realme 8 Pro क्लियरली बेटर निकल के आता है। प्राइमरी सेंसर वहां पे बेहतर है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, 8s में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है, एंड प्राइमरी भी वहां पे 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट यहां पे जो ऑन पेपर स्पेक्स है उसको हम साइड में रखते हैं एंड दोनों ही फोन के प्राइमरी कैमरा एंड फ्रंट कैमरे को कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि यहां पे कैमरास के मामले में कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों ही फोन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहां पे आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज डिफरेंट आई हुई है। जो 8 Pro की इमेज है उसने यहां पे कलर को स्लाइटली चेंज कर दिया, थोड़ा सा मैजेंटा टिंट ऐड किया है, जबकि 8s के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे कलर्स मुझे थोड़े से बेटर लग रहे हैं। जो ब्लैक शर्ट का कलर दिखाया है वो एक्चुअल है एंड ओवरऑल कलर्स को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं किया है, जबकि 8 Pro ने यहाँ पे कलर्स को बूस्ट कर दिया है। उसके अलावा अगर स्किन टोन के बारे में बात करी जाए तो वो भी यहाँ पे मुझे 8s का स्लाइटली बेटर लग रहा है, ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है, जबकि 8 Pro ने स्किन टोन को थोड़ा सा चेंज किया है एंड थोड़ा सा पिंक टिंट ऐड किया है। अभी डिटेलिंग एंड शार्पनेस कहाँ पे बेहतर है वो भी हम देख लेते हैं। तो जूम इन करने पे आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग एंड शार्पनेस के मामले में इतना डिफरेंस तो नहीं है, बट जो 8 Pro है वहाँ पे शर्ट का टेक्सचर थोड़ा सा बेटर विजिबल है, तो यहाँ पे जो शार्पनेस है वो 8 Pro में थोड़ी सी बेहतर है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फोन में एज डिटेक्शन काफी अच्छे तरीके से हो जाता है, वहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। डे लाइट कंडीशन में ही प्राइमरी कैमरा से निकाले गए कुछ ऑब्जेक्ट के फोटोस है, तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि जो कलर्स है आपको 8 Pro में स्लाइटली बूस्टेड देखने को मिल जाते हैं। 8s कलर्स को इतना बूस्ट नहीं करता है, थोड़े से बूस्ट तो वहां पे भी होते हैं बट इतने ज्यादा बूस्ट नहीं होते। अब उसके अलावा अगर बात करी जाए शार्पनेस के बारे में, डिटेलिंग के बारे में एंड डायनामिक रेंज के बारे में, तो वहां पे जब तक आप जूम इन नहीं करेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा, बट अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो 8 Pro की इमेजेस आपको स्लाइटली ज्यादा शार्प देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल कलर्स के मामले में भी मुझे यहाँ पे जो 8s का आउटपुट है वो स्लाइटली बेटर लगा है। 108 एंड 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है, पहली नजर में यहाँ पे आपको डिटेलिंग का इतना आइडिया नहीं लगेगा एंड कलर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ने ही काफी हद तक सिमिलर मेंटेन किए हैं। अभी डिटेलिंग कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए हम जूम इन कर लेते हैं। तो जूम इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 Pro की इमेज ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल है, जबकि 8s की जो इमेज है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे, 108 मेगापिक्सल मोड यूज करेंगे तो फिर 8 Pro ने बेहतर काम किया है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही इमेज यहाँ पे काफी डिफरेंट आई हुई है, बट जो 8 Pro की इमेज वो मुझे यहाँ पे बेहतर लग रही है, क्योंकि जो शर्ट का ब्लैक कलर दिखा है वो एक्चुअल ब्लैक है एंड जो स्किन टोन है वो भी ज्यादा क्लोज टू नेचुरल है, थोड़ा सा रेडिश टिंट रखा है। जबकि 8s के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे पूरी इमेज को एकदम ही कूलर टोन दे दिया है एंड जो शर्ट का ब्लैक कलर दिखा है वो भी एक्चुअल नहीं है एंड थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट भी बना दिया है। उसके अलावा अगर आप डिटेलिंग एंड शार्पनेस वगैरह देखेंगे तो वहां पे इतना डिफरेंस नहीं है, वहां पे दोनों ने ही सिमिलर काम किया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं एंड वहां पे मैंने कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करा है। इंडोर प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेजेस है एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेजेस डिफरेंट आई हुई है। जो 8 Pro की इमेज है वहां पे स्किन टोन मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है एंड 8s का जो स्किन टोन है वो भी अच्छा ही है, बट वहां पे जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है एंड जो एक्चुअल रेड स्किन टोन है मेरा वो नहीं दिखाया है, थोड़ा सा व्हाइटिश बना दिया है। उसके अलावा जो शर्ट का कलर है वो भी अगर आप देखते हैं तो 8 Pro में बेटर गाया हुआ है एंड बाकी ओवरऑल कलर्स तो दोनों ने ही अच्छे मेंटेन किए हैं। एंड अगर यहाँ पे आप डिटेलिंग देखते हैं जूम इन करके तो डिटेलिंग के मामले में यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो 8s है उसने बेहतर काम किया है, जबकि 8 Pro की इमेज यहाँ पे थोड़ी सी पिक्सेलेट हो रही है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी दोनों ही फोन सही तरीके से डिटेक्शन कर लेते हैं एंड बाकी स्किन टोन वगैरह हमने जैसा नॉर्मल मोड में नोटिस किया था वैसा ही यहाँ पे भी देखने में आ रहा है। आर्टिफिशियल लाइटिंग में कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोज निकाली है, तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो 8 Pro कलर्स को बूस्ट कर देता है, 8s कलर्स को इतना बूस्ट नहीं करता है एंड ज्यादा क्लोज टू नेचुरल इमेजेस आपको प्रोड्यूस करके देता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप डिटेलिंग एंड शार्पनेस वगैरह देखेंगे तो इतना मेजर डिफरेंस पता नहीं चलता है, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल काम करते हैं।
तो यहाँ पे इंडोर कंडीशन में अगेन मुझे 8S का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लगा है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, दोनों ही इमेज काफी बढ़िया आई हुई है, बट यहाँ पे भी अगेन जो शर्ट का कलर है, जो स्किन टोन है, वो मुझे 8 प्रो का स्लाइटली बेटर लग रहा है। 8S ने यहाँ पे शर्ट के कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कुछ ज्यादा ही डार्क दिखा दिया है, एंड स्किन टोन तो वहाँ पे भी काफी सही तरीके से मैनेज हो गया है। उसके अलावा अगर डिटेलिंग एंड शार्पनेस वगैरह आप देखते तो वो दोनों ने ही अच्छा मेंटेन किया है, एंड वहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी एयर डिटेक्शन के मामले में मैंने कोई भी इश्यू नोटिस नहीं करा है। लो लाइट में निकाली गई इमेज है, यहाँ पे 8S की इमेज ज्यादा ब्राइट आई हुई है, बट वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं आई हुई है, जबकि 8 प्रो की इमेज इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है, बट वो थोड़ी सी शार्प है। ये मैंने दोनों में ही विदाउट नाइट मोड निकाली है इमेज। नाइट मोड को ऑन कर दिया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही इमेज काफी इंप्रूव हो जाती है, बट अगेन यहाँ पे जो 8 प्रो है वो थोड़ा सा रेडिश स्किन टोन रखता है, ज्यादा क्लोज टू एक्चुअल है, जबकि 8S यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बना दे रहा है स्किन टोन को, एंड इमेज वहाँ पे भी काफी बढ़िया आई हुई है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्किन टोन पसंद आता है। रियर कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड निकाली है, 8 प्रो की इमेज यहाँ पे स्लाइटली बेटर आई हुई है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही इमेज यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है, एंड उसके बाद यहाँ पे इतना मेजर विजिबल डिफरेंस नहीं है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रियलमी 8S उसमें आप वही तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 8 प्रो में तो आप 4K में भी शूट कर सकते हैं, 1080 और 60 में भी शूट कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी कैमरे में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 1080 और 30 पे रिकॉर्ड करेंगे तो आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी, ऑडियो कैप्चर वगैरह किस तरह का है, डायनामिक रेंज वगैरह किस तरह की है, स्टेबिलाइजेशन किस तरह का है, एंड एक्सपोजर यहाँ पे कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन इतना आइडिया नहीं लग रहा है, बट आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे दोनों ही फोन में मैं 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ, एंड दोनों में ही आप मैक्सिमम वहीं तक शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की आ रही है, ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, एक्सपोजर किस तरह का है, कौन सा फ़ोन बेहतर हैंडल कर रहा है, कौन सा नहीं हैंडल कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पे दोनों में ही मैंने स्टेबिलाइजेशन को भी ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे कौन से फ़ोन की फुटेज ज़्यादा स्टेबल है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर दिया है, अभी कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फुटेज मिलेगी वो देखने के लिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन स्क्रीन तो मुझे यहाँ पे दोनों ही फ़ोन की फुटेज स्टेबल लग रही थी, एंड इतना आइडिया नहीं लगा है, बट आप लोगों ने एक्चुअल फुटेज देखी है तो आप लोगों को बेहतर आइडिया लगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे यहाँ पे रियलमी 8S का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर लगा है कलर्स के मामले में, क्योंकि कलर्स वहाँ पे इतने ज़्यादा बूस्ट नहीं होते थे। 8 प्रो की बात करी जाए तो वो कलर्स को बूस्ट कर देता है, एंड हर एक कंडीशन में अच्छा नहीं लगता है जो बूस्ट होता है, कुछ कंडीशन में तो अच्छा लगता है बट जैसे ही ग्रीनरी आती है कुछ ज़्यादा ही बूस्ट हो जाता है तो फिर वो अननेचुरल लगने लगता है। एंड जो स्किन टोन वगैरह है वो भी मुझे आउटडोर कंडीशन में 8S का बेटर लगा है, फ्रंट कैमरे का परफॉर्मेंस मुझे 8 प्रो में थोड़ा सा बेटर लगा है। अब अगर वीडियोस की बात करी जाए तो वहाँ पे क्लियरली 8 प्रो विनर निकल के आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 4K का ऑप्शन मिलता है, 1080 और 60 का ऑप्शन मिलता है, बुके वीडियो जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं, एंड ये सारे फीचर आपको 8S 5G में देखने को नहीं मिलते हैं। एंड उसके अलावा रियलमी 8 प्रो में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप डे लाइट में काफ़ी सही तरीके से फोटो वगैरह निकाल पाते हैं, जो कि आपको 8S में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर पर्सनली मुझे इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होता एंड कैमरा मेरी प्रायोरिटी होता तो मैं पर्सनली 8 प्रो के साथ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ 5G चाहिए एंड उसके नाम पे आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एंड ले सकते हैं। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।